का सिर्फ एक लक्ष्य हो, बदला। मैंने सुना झोपड़पट्टी से किसी लड़का को उठा लिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पिछले गुरुवार यानी कि 11 अप्रैल को ईद के खास मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां, जिसको आज सिनेमा घरों में रिलीज हुए 9वां दिन चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ थी बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म मैदान, यह भी बड़े मियां छोटे मियां के सामने रिलीज हुई थी और फिल्म को रिलीज हुए आज सिनेमा घरों में, इसका भी 9वां दिन चल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि मैदान फिल्म अपने पहले 8 दिनों में इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, और वहीं आज अपने 9वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है, और फिल्म का 9 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो जाएगा। और साथ ही साथ बात करेंगे बड़े मियां छोटे मियां के पूरे 9 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो हम आपको बताते चले कि अली अब्बास के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हालांकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, उस तरह से ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली। हालांकि फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, और ऐसा नहीं था कि फिल्म बहुत ज़्यादा ख़राब है या फिल्म देखने लायक नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपको बताते चले कि फिल्म को प्रोड्यूस किया था जैकी भगनानी, वासु भगनानी और दीपशिखा देशमुख ने, और फिल्म में हमें अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, पृथ्वी राज सुकुमारन, मानुषी छिल्लर, सोनाक्षी सिन्हा और रोनीत रॉय जैसे बड़े सुपरस्टार इस फिल्म में थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा था, फिल्म को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। और आपको बताते चले कि फिल्म का बजट लगभग 350 करोड़ रुपए का था। लेकिन अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अपने पहले दिन फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से लगभग 36 करोड़ 33 लाख रुपए की कमाई की थी, और फिल्म का जो 2 दिनों का टोटल कलेक्शन था वो 55 करोड़ 44 लाख रुपए हो गया था। उसके बाद फिल्म ने अपने 4 दिनों के वीकेंड पर 40 करोड़ 80 लाख रुपए इंडिया से नेट कमा लिए थे। वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था 4 दिनों का, वो 9 करोड़ 88 लाख रुपए था। उसके बाद 5वें दिन फिल्म की कमाई रही इंडिया से 2 करोड़ 50 लाख रुपए। 6वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 2 करोड़ 25 लाख रुपए का। 7वें दिन फिल्म ने कमाए 2 करोड़ 60 लाख रुपए, और 8वें दिन फिल्म ने कमाए सिर्फ 3 करोड़ रुपए। और दोस्तों, आज अपने 9वें दिन ये फिल्म लगभग 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर रही है, और फिल्म के 9 दिनों की जो टोटल इंडिया के अंदर नेट कमाई है वो 52 करोड़ 50 लाख रुपए इंडिया से नेट हो रही है। तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 127 करोड़ रुपए कर रही है। हालांकि दोस्तों, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी तो फ्लॉप ही चल रही है। अब देखना यह है दोस्तों कि आने वाले टाइम में यह फिल्म अपना बजट रिकवर कर पाती है या फिर नहीं, और फिल्म बड़े मियां छोटे मियां बॉक्स ऑफिस पर कितने दिनों तक चल पाती है। लेकिन चलिए बात करते हैं अजय देवगन की फिल्म मैदान की। तो मैदान से भी दोस्तों बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, हालांकि मैदान कुछ इस वजह से भी नहीं चली क्योंकि कई बार इस फिल्म की रिलीज डेट को टाला जा चुका था और सालों से यह फिल्म पेंडिंग में थी। आपको बताते चले कि मैदान फिल्म से पहले शैतान अजय देवगन की बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सुपरहिट हुई है, लेकिन मैदान जो कि एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी, जो कि अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनी थी, जिसको प्रोड्यूस किया था जी स्टूडियोज और बोनी कपूर ने, और फिल्म में हमें अजय देवगन के साथ प्रिया मणि नजर आई थी, और फिल्म का जो बजट था वो लगभग 100 करोड़ रुपए का था, और फिल्म ने अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे, और उससे पहले पेड प्रीव्यूज से फिल्म ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए कमा लिए थे, और फिल्म का जो पहले दिन का टोटल कलेक्शन था वो 6 करोड़ 10 लाख रुपए इंडिया से नेट था। तो वहीं फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 10 करोड़ 70 लाख रुपए कमा लिए थे। उसके बाद अपने 4 दिनों के वीकेंड पर फिल्म मैदान ने 2 करोड़ 22 लाख रुपए इंडिया से नेट कमा लिए थे। तो वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो 4 करोड़ 86 लाख रुपए हो गया था। 5वें दिन फिल्म ने कमाए 3 करोड़ रुपए, और 6वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 2 करोड़ 70 लाख रुपए का। 7वें दिन फिल्म की कमाई रही 2 करोड़ 90 लाख रुपए, और 8वें दिन फिल्म ने कमाए 1 करोड़ 80 लाख रुपए। और दोस्तों, अब बात करें 9वें दिन यानी कि आज की, तो आज ये फिल्म लगभग 1 करोड़ रुपए कमा रही है, और फिल्म के 9 दिनों की जो टोटल कमाई है वो 30 करोड़ 10 लाख रुपए इंडिया से नेट हो रही है। तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 47 करोड़ रुपए कर रही है। हालांकि फिल्म को अभी तक अपने बजट में पहुंचने में बहुत बड़ी मेहनत करनी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि फिल्म वहां तक पहुंचेगी। लेकिन फिर भी दोस्तों, बड़े मियां छोटे मियां या फिर मैदान, आपको दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।